अगर पब्लिक सेफ्टी सिविलियन सांचे के जेवल को मार दे दिए तो उनके काम में टांगे डालने की जिम्मेदार होंगे। आमतौर पर ऐसी चीजों के लिए तुम गिरफ्तार हो सकते हो। बावा, तुम अब से कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचोगी और तुम्हें उसे काबू में रखना होगा। तेंजी, मैंने क्या किया? एक फीड बनने से पहले पावर एक ब्लड डेविल थी, तो उसके पास लड़ाई में ब्लड इस्तेमाल करने का हुनर है, पर वो कुछ ज्यादा ही जल्दी जोश में आ जाते। हो सकता है अभी वो डेविल हंटर बनने के लिए पूरी तरह तैयार ना। वो इसने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। हाँ, मैंने नहीं कहा। तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो? ये झूठ नहीं है, उसने सच में मुझे बोला था। इसने मुझे उस डेविल को मारने के लिए बोला था। बताओ उन्हें सच क्या है। आधी घंटा मिस माँ की माँ ये झूठ बोल रही है। आपको इसे अरेस्ट करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने के लिए अरेस्ट किया जाता है। ये सच नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। डेविल कभी झूठ नहीं बोलता, इंसान हमेशा झूठ बोलता है। अब ऐसा किसने कहा? मक्कार तुगली, अब इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। इंसान और तुम्हारा वो गंदा झूठ, मुझे बोला गया था इसलिए मैंने वो काम किया था। तुम झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? ये सच में घिनौना है। क्या तुम शांत रहोगी? सॉरी। बहुत अच्छे पापा, सच कहूँ तो मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मैं तो बस तुम दोनों को साथ काम करते देखना चाहती। क्या तुम मुझे साथ काम करके दिखा सकते हो? हम करके दिखाएंगे। शायद मुझे इस लड़ाई की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जानती हो, इस तरह ड्रिंक पीना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है, पर अगर हम ऐसी गड़बड़ करते रहेंगे तो आगे जाके शायद हम ये सब नसीब ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम जैसी झूठी लड़की के साथ काम करना आसान होगा। मुझे सिर्फ कैट ही अच्छी लगती है। मुझे इंसानों से नफरत है। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर भी नफरत है। मेरी इंसानों पर नफरत का कारण वही जो बाकी डेविल्स का है, और मुझे डेविल से भी नफरत है। जब से एक डेविल ने मेरी बिल्ली नाया को कुछ छीना है मुझसे। नायको को बचाने से पहले ही मैं माकिमा के जंगल में पूरी तरह से फंस गई। मेरी प्यारी नायको शायद पहले ही मर गई हो, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी। अगर कोई मेरी नायको को उस डिमन से बचा ले तो मैं इंसानों की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता एक बिल्ली को लेकर चिंता को तुम समझोगे। क्या एक बिल्ली? अजी घंटा, अगर मुझे किसी के बूब्स दबाने मिल जाए तो शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लगता है मैं कभी इंसानों को समझ नहीं पाऊंगी। पर अगर बिल्ली की जगह डॉग होता तो शायद मैं समझ जाता। उस टेबल से मेरी नायको को छुड़ा लाओ, बदले में मैं तुम्हें अपनी गुप्त दबाने दूंगी। चलेगा तुम्हें? वो मदर चो टेबल। हाँ? उसे क्या लगता है वो एक बिल्ली को रख सकता है? खैर, मुझे नहीं लगता। एक डेविल हंटर होने के नाते मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं उस कमीने डेविल की गांठ चीर दूंगा। फाइंड पावर के लिए अप्रूव हो गई है। याद रहे कि तुम 5 PM से पहले आ जाओ। तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती। वही, मुझे यहाँ काम करते वक्त आलस होती है। मैं जानती हूँ कि वो डेविल कहाँ मिलेगा जिसने नायक को किडनैप किया था। बात ऐसी है कि तुम ही हो जो उसे लड़ सकते हो। मेरे खिलाफ वो डेविल नायक को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा।
और अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म। तुम जानती हो मेरे पास पोचेता नाम का एक डेविल था। मैं उसे अब पेट की तरह तो नहीं रख सकता, पर ये ठीक है क्योंकि वो यहाँ मेरे सीने में जिंदा है। इंसान कितने बेवकूफ होते हैं। इसका मतलब पोचेता मर गया है ना? मौत का मतलब ही जिंदगी का खत्म होना होता है। अपने सीने में रहने वाली बकवास बस दिल को तसल्ली देने के लिए है। हाँ हाँ, जैसा तुम समझो। मुझे नहीं लगता इसके साथ मेरी कभी जम पाएगी। सोवियत वॉर के चमचों की वजह से अमेरिकन मैटर पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। अफवाह यह भी है कि मिलिट्री भी डेविल का इस्तेमाल करेगी। उम्मीद है कि भविष्य में जापान का एकमात्र दुश्मन डेविल ही बनेगा। माकी माँ, वो शिकारी कुत्ते कैसे हैं जिनको स्क्वाड के परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए शामिल किया गया था? उनमें से एक काफी भरोसेमंद है और दूसरा काफी दिलचस्प है। दिलचस्प? एक कुत्ता जिसे मैंने हाल ही में पकड़ा है। तुम्हारा काम है उन कुत्तों को उठाकर उन्हें काम पर लगाना। याद रहे कि तुम उनसे घुल मिल ना जाओ। मेरा मानना है कि डेंजी बेहोदा है ना कि दिलचस्प। आपको उस लड़के से इतनी उम्मीद क्यों है? कहा जाता है सभी डेविल्स नाम के साथ पैदा होते हैं, और जितने डरावने नाम होते हैं और उतने ही ताकतवर डेविल बनते। कॉफी उतनी डरावनी नहीं लगती, इसलिए कॉफी डेविल भी काफी कमजोर होगा। पर एक कार डेविल के बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए मारकर भागना आसान होगा, इसलिए शायद ताकतवर होगा। और डेंजी एक चेनसॉ डेविल में बदल सकता है। ये मुझे इसमें दिलचस्प लगता है। वो दिलचस्प हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता वो हमारे किसी काम का भी है। पब्लिक सेफ्टी में हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है, पर उसका कहना है कि वो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। वो हमारे काम के लिए फिट नहीं है। लगता है कि वो बस डेविल से दोस्ती कर सकता है। वो सच में एक बेवकूफ बच्चा है, एक बेवकूफ बच्चा। ये है वो घर, नायको और डेविल अंदर ही है। हाँ, चलो फिर चल के देखते हैं। उम्मीद है कि मुझे चैनसो बाहर ना निकालनी पड़े, नहीं तो काफी खून बहेगा। हाँ, चैनसो? हाँ, मैं चैनसो में बदल सकता हूँ। इंसानों के जोक्स पर हंसी भी नहीं आती। अब क्या हुआ तुम्हें? अगर वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी बिल्ली को बंदी जैसा इस्तेमाल करेगा? क्या तुम्हें भी उसके करीब जाना चाहिए? ओ, मैंने ऐसा बोला भी था? हाँ, तुमने कहा था। वो तो मुंह से निकल गया। तुम्हारी तरह गधे के भी दिमाग काफी तेज है।
तुमने मुझे काफी इंतजार कराया ब्लड डेविल। मुझे तो लगा था कि तुम डर कर भाग गई। शिकायत करना बंद करो, बड़ी मुश्किल से ही मुझे आजादी मिली है और मैं एक इंसान को भी ले आई जैसे कि तुमने कहा था। बैट, इतने वक्त के बाद एक अच्छा खाना। मुझे यकीन है कि इस नौजवान के शरीर में जोश से भरा खून होगा। जख्म को गौर से देखो इंसान, तुम में से ही किसी एक ने मुझे ये दिया था और इस घटिया जख्म की वजह से मुझे इस घटिया जगह पर छुपना पड़ गया। अबे थूकना बंद कर चूती है। बस करो ये खाना, ज्यादा नहीं बातें करते, वक्त है अब इंसान के ही खून से खुद के जख्म को ठीक करने का। बेहुदा है ये खून। इस घटिया खून की वजह से मैं ठीक हो गया। ये खून बड़ा ही वाहियात है। अब मुझे किसी इंसानी खून से ही अपने मुंह के टेस्ट को तरोताजा करना होगा। तुम क्या उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हो? मैं हैरान हूं कि तुमने सच में मेरी कहानी पर यकीन किया। सच्ची में इंसानी एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। सिगरेट की बप्पू, ये मेकअप के ड्रग्स ठिकान। क्या सच में? वाओ इंसान। अब मुझे अपने मुंह को कुछ बच्चों के खून से साफ करना होगा। बैट डेविल, वादा के अनुसार मैंने तुम्हें एक इंसान लाकर दिया, अब नायक को छोड़ दो। क्या सच में मैंने ऐसा कहा था क्या? नायको, मेरे मुंह में अब भी उस इंसान का कड़वा खून है। नायको, तुम्हारा नाम है नायको। एक बिल्ली होने के बावजूद भी तुम्हारा गंध काफी अच्छी है। हालांकि तुम काफी कमजोर हो। तुम्हें खाने से पहले चलो तुम्हें थोड़ा मोटा किया जाए। खाकर ताकतवर बनो। मैं तुम्हें मारने के इंतजार में हूं नायको। आके मिलाए मैं उन सबको मार दिया, पर एक बिना डर की आवाज सुनना सच में बहुत ज्यादा अजीब है, काफी अजीब। सच में बेकार फीलिंग है। बेकार, ये वाहियात। मेरे मुंह के अंदर काफी वाहियात खून जमा हो गया है। मुझे कुछ बच्चों के खून के साथ करारे करने होंगे। मैं अपनी भूख बढ़ाने के लिए एक औरत को खाऊंगा और
इन गोस के लिए एक आदमी ठीक रहेगा और डेजर्ट के लिए एक प्रेग्नेंट औरत। मुझे मेरे बूब्स वापस चाहिए। तुम मेरा खून पी रहे हो, क्या बकवास है? जब मैंने तुम्हारा खून पिया तो मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। एक बार की बात है, जब मैं पूछता को ढूंढ नहीं पाया, जब मैं सुबह उठा तो वो जा चुका था, इसलिए मैंने उसे पूरे शहर में ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिला। मुझे लगा उसे किसी डेविल ने खा लिया होगा, पर मैं जब घर वापस लौटा तो वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे याद है तब मुझे कितना चैन मिला था और मैं उसे पकड़कर ही सो गया था। मैं सोच रहा हूं वो कैसे सोती होगी ये जानते हुए कि नेहा को एक डेविल के पास है। तुम भी एक डेविल हो। क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सुन कमीने, जब तक मैं तेरी आंतड़ियां नहीं खोल देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या तुम इसे काट पाओगे। चैन पीछे हट गई। इतने छोटे शरीर में इतनी ताकत, तुम इंसानों को बचाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे बचाया? मुझे कुछ बंदों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे खुद को ठीक करना होगा। तुम में सिगरेट की बदबू है पर अभी के लिए चल जाएगा। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? इस सब बकवास से मैं जितना सबर कर सकता था किया, तो अभी तक मुझे किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने में मजा क्यों नहीं आया? रहो मुझसे। Yeah.